हेडलाइन पर, मुकेश अंबानी ने भाई अनिल को जेल जाने से बचा लिया। नागपुर समेत 91 सीटों के लिए अधिसूचना जारी। नीरव मोदी को कभी भी गिरफ्तार कर सकते हैं। अब खबरें विस्तार से। मुकेश अंबानी के भाई अनिल को जेल जाने से बचा लिया। एरिक्सन का बकाया चुकाने के लिए दिए 550 करोड़। अनिल बोले, मुश्किल वक्त में साथ खड़े होने पर भैया और भाभी का शुक्रिया। संकट की घड़ी में बड़े भाई मुकेश अंबानी ने छोटे भाई अनिल अंबानी को सहारा दिया, इससे जेल जाने से बचा लिया। दरअसल यह मामला अनिल के नेतृत्व वाली रिलायंस कम्युनिकेशन पर दूरसंचार उपकरण बनाने वाली स्पीडन की कंपनी एरिक्सन के करीब 550 करोड़ रुपए के बकाया का निपटारा करने से जुड़ा है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक अनिल को 19 मार्च यानी आज एरिक्सन का बकाया चुकाना था। अनिल के साथ साथ ऑरिकॉम के दो इकाइयों के चेयरमैन छाया वीरानी और सतीश सेठ भी जेल जाने का खतरा मंडरा रहा था। पहले चरण के चुनाव के लिए नामांकन शुरू। लोकसभा चुनाव 11 अप्रैल को 91 सीटें के लिए होने वाले मतदान के लिए सोमवार को अधिसूचना जारी कर दी गई। इसके साथ ही नामांकन की प्रतिक्रिया शुरू हो गई है। इस चरण में जिन सीटों पर वोटिंग होने उसमें से महाराष्ट्र की 7 सीटों समेत आंध्र प्रदेश की 7 सभी 26, तेलंगाना की 17 और उत्तराखंड की 5 सीटों के अलावा यूपी के 8, बिहार की 4 सीटें शामिल है, पश्चिम बंगाल की 42 से और 2 और जम्मू कश्मीर के 6। ये सभी सीटों पर भी मतदान होगा। भाजपा और कांग्रेस सहित विभिन्न दलों ने पहले चरण के लिए उम्मीदवार घोषित करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। वर्धा चंद्रपुर शामिल है। पहले चरण महाराष्ट्र के वर्धा, रामटेक, नागपुर, भंडारा, गोंदिया, गढ़चिरौली, चिमूर, चंद्रपुर और यवतमाल वॉशिंग सीटें शामिल है। ब्रिटेन के वेस्टमिंस्टर कोर्ट ने पीएमबी से करोड़ रुपए की धोखाधड़ी करने वाले भगोड़े नीरव मोदी के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। अधिकारियों ने बताया कि लंदन पुलिस जल्द ही उसे गिरफ्तार कर सकती है। धन शोधन के मामले में नीरव मोदी को प्रत्यर्पित करने के प्रवर्तन निदेशालय के अनुरोध के, जबकि अनुरोधन के जवाब में उनके खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट जारी किया है। तो खबरों में आज के लिए इतना ही। एमएनएस न्यूज लाइव की खबर देखने के लिए एमएनएस हिंदी ऐप आज प्ले स्टोर से डाउनलोड करें और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना बिल्कुल भी ना भूले। तब तक के लिए धन्यवाद।